कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं वेज पुलाव बनाने जा रही हूँ। वेज पुलाव के लिए मैंने आधा किलो चावल ले लिया है, उसको धो के भिगो दिया था मैंने। यहाँ पे दो आलू कट करके लिया है, ये हरा धनिया है, वटाना लेंगे थोड़ा, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो कांदा कट करके ले लिया है मैंने, और एक बड़ा टमाटर कट करके लिया है। ये तेल इस्तेमाल करेंगे हम, ये पुलाव मसाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ले लिया है। पुलाव बनाने के लिए हमेशा खुला हुआ बर्तन इस्तेमाल करें, पुलाव अच्छा और खिला खिला सा बनता है। तो मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, अब इसमें तेल डालेंगे। दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि पुलाव में तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कम तेल में पुलाव अच्छा बनेगा नहीं। सरसों का तेल है इसलिए थोड़ा उसको गरम कर। तेल हमारा गरम हो गया है, आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे इसमें। जीरा डालने के बाद भी तुरंत प्याज डाल देंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा उसको ब्राउन करेंगे नहीं। मेरी ये पुलाव की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें आप सब, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालते ही इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाल देंगे साथ में, टमाटर जल्दी गल जाएगा। एक एक करके सब्जी भी डाल देंगे, आलू डाल दे रही हूँ मैं अभी, वटाना भी डाल देंगे अभी साथ में। इसके साथ पेस्ट भी डाल देंगे हम, एक साथ भून लेंगे पेस्ट डालने के बाद। आधा टीस्पून गरम मसाला भी डालेंगे हम। एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ये भी डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी, ये बाहर रेडीमेड कोई पुलाव मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं आप, ये तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे, अच्छे से तेल छोड़ देगा। पहले ढक्कन ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर चेक करेंगे सब्जी कितना गला है, गैस को सीलो कर देंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला भून रहा है, लगभग मसाला भून ही गया है। इसमें थोड़ी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, इसका ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
थोड़ा और पका लेंगे सब्जी को, फिर चावल मिक्स करेंगे इसमें। अब इसमें हम चावल डाल देंगे जो भिगो के रखे थे। ये आधा किलो चावल है। चावल डाल के अच्छे से मिक्स करके एक मिनट अच्छे से भून लेंगे, चला लेंगे उसको। ये चावल भून लिया है, इसमें 2 गिलास के आसपास पानी डाल देंगे हम। इसी दौरान नमक भी चेक कर लें, क्योंकि हम लोग सब्जी डालने के टाइम पे ही नमक डाले थे, आधा आधा टीस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अब अच्छे से उबाल आ जाएगा चावल में, फिर गैस को सीलो करके ढक के पकाएंगे। मेरे चावल में उबाल आ गया है, तो ढक्कन ढक के पकाएंगे। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे, 5 मिनट ऐसे ही रखते हैं, फिर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे चावल। थोड़ा देर और पकेगा ये थोड़ा अभी और दम में रखेंगे इसको। ढक्कन ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए रखते हैं इसको। चलिए अब चावल चेक करें। हमारा चावल तैयार हो चुका है, आप खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइए कैसा बना है। चलिए सर्व करके दिखाते हैं आपको। मैंने प्लेटिंग कर लिया है, आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।